सो वेलकम बैक टू माई चैनल वाटिका। और मतलब हम 4-5 दिन के लिए बस यहाँ पे फाइन नहीं पटाए हैं, और इसका गार्डन का हाल काफ़ी अलग तरह से हो चुका है। मतलब काफ़ी सारा जो छोटा छोटा कंटेनर में लगा हुआ, तो वो लोग तो पानी ही ज़्यादा स्टोर नहीं किया तो लगभग मरने लगा है। और कुछ कुछ पौधा तो इस तरह से कॉस्मोस है, इसको हम इस तरह से पानी के अंदर रखे गए थे, तो थोड़ा मोड़ा ये सब चल रहा है बस। लेकिन कई से पेड़ पौधे का हाल काफ़ी ख़राब हो गया, जैसे ये एलोकेशिया का था, काफ़ी सारा पत्ता इसका सुंदर सुंदर था, मतलब हरा था, लेकिन अब सारा पत्ता अपना सुखा लिया है। फिलहाल ये दो ही पत्ता है और यहाँ से एक न्यूल पत्ता बस निकल रहा है। सदाबहार को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहता, इसलिए काफ़ी अच्छे से उग रहा है। करी पत्ता का भी थोड़ा अपडेट ऐसा ही कुछ है लगभग, मतलब कि इसको उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसको चाहिए कि पानी थोड़ा कम मिले, रेगुलर ना मिले, मतलब सब चीज़ में अडाप्ट होना तो चाहिए पेड़ पौधे को, कि किस हिसाब से ये लोग उग सकता है, मतलब अगर 3-4 दिन पानी ना मिले तो भी, या शायद इसको हम लगातार पानी पटाया था, उस समय बारिश भी हुआ था, इसलिए भी उतना अच्छे कंडीशन में है, क्योंकि कोई ज़्यादा बेकार नहीं हुआ है। ये मेरा तुलसी वाला पेड़ है, इसको हम काटे हुए थे, हम ट्रिमिंग वाला किए थे, और ये काफ़ी अच्छे से उग रहा है। मतलब अब ये इसी तरह से और ज़्यादा घना ही हो जाएगा, काफ़ी सुंदर तरीके से अभी भी उग रहा है ये। खैर ये सब कुछ कुछ कटिंग लगाए हैं, देखते हैं ये उगेगा या नहीं उगेगा, क्योंकि चांसेस तो काफ़ी कम है। ये पता नहीं इसका क्या करें, अब लगता है बरसात होगा तभी ये वाला उगेगा पेड़। ये नीम का पेड़ था जो काफ़ी बड़ा अच्छा था, लेकिन अब कवारा हो गया, क्योंकि इसमें ऊपर वाला जितना ये अब डेड हो रहा है धीरे धीरे। ये बस इसमें कुछ जौ वगैरह लगा हुआ था जो कि हम लगा के रखे थे, ताकि ये थोड़ा सा चिड़िया वगैरह इधर आए तो थोड़ा अच्छा रहेगा शायद, और आई भी ये लगता है, और यहाँ से खा होके गई, ये थोड़ा इको सिस्टम के लिए अच्छा रहता है ये सब चीज़, इसलिए हम किए थे। ये अपना शॉर्ट्स वाला पेड़ जो है, ये भी थोड़ा मतलब मुरझाया टाइप लग रहा है, लेकिन थोड़ा पानी देंगे तो ये और अच्छे से हो जाएगा, लेकिन इतना तो होना चाहिए इसको, क्योंकि कम पानी में भी उगता। हम इसमें एक आध ये सब जो कंटिन्यू लगे थे नीम वगैरह, इसमें रख दिए तभी जाके ये बचा हुआ, वरना इसमें तो पानी बहुत ज़्यादा चाहिए रहता है, मतलब बहुत छोटा सा कंटेनर है ना, ये बहुत छोटा कंटेनर है, इसलिए इसको चाहिए ज़्यादा पानी, बार बार लगातार पानी देने वाला चीज़ सिस्टम। ओवरऑल यही देखे तो बस विंटर फ्लावरिंग वाला जो है, इसको पानी चाहिए था लेकिन मिला नहीं, तो ये मुरझाने लगा, ये पत्ता थोड़ा सा और बड़ा हो चुका है, और इस पर कीड़ा खटक चढ़ चुका है। खैर काफ़ी सही चीज़ है, ये अगस्त्या वाला पेड़ बस बचा हुआ है, यही ठीक है। यहाँ ये विंटर फ्लावरिंग भी ख़त्म हो चुका है लगभग, और देखिए ये वाला विंटर फ्लावरिंग भी सही से नहीं हुआ। यहाँ बर्ड ऑफ पैराडाइज थोड़ा अच्छे से उग रहा है, मतलब कम पानी चाहिए था फिलहाल इसको, इसको भी रिपोर्टिंग करने की काफ़ी ज़रूरत है। ये सब पेड़ है यहाँ पे जेड वगैरह, जेड और ये सब तो कम पानी चाहिए, इसलिए इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इन सब में। नीचे आए तो ये सब भी काफ़ी अच्छे तरीके से उग रहा है। और शायद ये वाला थोड़ा यहाँ से 2 ब्रांच निकाला है, लेकिन इसको थोड़ा पानी चाहिए, जो साफ साफ बता रहा है, लेकिन ये जो पुराना लीफ है इसमें पानी नहीं चाहिए, ये भी साफ साफ बता रहा हूँ। ये भी काफ़ी अच्छे से उग रहा है, पता नहीं कुछ तो है ये, बस ऐसे छोटा बच्चा भी निकल रहा है यहाँ पर। खैर इस वीडियो को लिखना ही, खैर नीचे भी देख लेते हैं, वैसे कुछ खासा यहाँ नहीं हुआ है, यहाँ पे बस ये न्यू लीफ निकल चुका है काफ़ी तेज़ी तरीके से, और ये पूरा का पूरा ऐसे मुरझाया टाइप हो चुका है, पत्ता पूरा बंद कर चुका है, ये तो वैसे ये भी सरवाइव कर जाएगा वैसे।